बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा मुख्यालय अवस्थित बिहार शरीफ सदर अस्पताल एक ISO प्रमाणित चिकित्सा केंद्र है। यहां आए दिन हैरतअंगेज सूचनाएं सामने आते रहते हैं। इस अस्पताल की हालत यह है कि यहां मरीज को व्हील चेयर की जगह मूविंग स्टूल के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाओं का घोर अभाव दिखता है। दरअसल जब सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एक मरीज को व्हील चेयर की जगह मूविंग स्टूल के सहारे वार्ड की ओर ले जाते दिखे, तो वहां पर मौजूद कुछ एक मीडिया कर्मी ने जब इस कमजोर व्यवस्था का वीडियो बनाना शुरू किया, इस पर नाराज होकर एक चिकित्सक ने पत्रकारों पर भड़कते हुए अवैध वसूली का बिजनेस करने का गंभीर आरोप लगाया। चिकित्सक ने पत्रकारों से वीडियो डिलीट करने की भी हिदायत दी। इधर पत्रकारों ने चिकित्सक के आरोपों का खंडन किया और कहा कि वह केवल अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में नालंदा सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह का कहना है कि मरीज खुद मूविंग स्टूल पर आकर बैठ गया होगा और जल्दीबाजी में चिकित्सकों से इलाज के लिए वार्ड तक ले जा रहे होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। मूविंग स्टूल थोड़े है, वो तो डॉक्टर का बैठने का चेयर है भाई। कोई बैठे होंगे उस पर तो उसको पुश करके बेड तक पहुंचा दिया, उसमें क्या गड़बड़ है? वो जो रिवॉल्विंग चेयर है डॉक्टर का, उस पर आके मरीज बैठ गया तो उसको पुश करके बेड तक पहुंचा दिया, इसमें क्या गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं, मरीज को कोई कष्ट नहीं। चेयर जैसे जिस चेयर पर हम बैठे ये भी रिवॉल्विंग चेयर है, ऐसे हटाएंगे हट जाएगा। तो ये कह रहे हैं सर कि अब बताया कि चिकित्सकों की घोर कमी देखी जा रही है। चिकित्सकों की कमी है, इसमें जो हमारा है उसी में रोस्टर बना के हम लोग बेहतर सेवा देने की कोशिश करते हैं, कमी तो जरूर है। तू बोला था, तू बोला, तूने चीन नहीं है डिलीट, तो तू बोलेगा तो हम डिलीट नहीं कर देंगे, और फिर तुम गर्मी दिखाएगा तो हम गर्मी नहीं दिखा देंगे। बिजनेस आप बोले बिजनेस है, फिर कहता है कि मीडिया वाला बिजनेस है, आप ही लोग बोले ना अभी बिजनेस रिकॉर्ड है। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।